हरीश रावत जी पहुंच गए हैं। मेरी बेनती है कि तारियां मार के साडे जनसेक हरीश रावत जी का स्वागत किया जाए। श्री हरीश रावत जी जो मेरी एक बेनती है, मेरी एक बेनती है सारे बहुत ही सत्कारयोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटर इंचार्ज पंजाब साबका मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी साडे विच पहुंच चुके हैं। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहुंच चुके ने। साडे विच साबका मुख्यमंत्री साबका प्रधान बीबी रजिंदर कौर जी पठान पहुंच चुके ने। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साबका केंद्रीय वजीर प्रेजिडेंट तौर ते मैंबर पार्लीमेंट परनीत कौर जी पहुंच चुके ने। साडे विच सरदार लाल सिंह जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पहुंच चुके हैं। साडे विच एच एस हंसपाल जी साबका प्रधान कांग्रेस कमेटी भी पहुंच चुके हैं। साडे विच सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ते पीडब्ल्यूडी एजुकेशन मिनिस्टर साडे विजय इंदर सिंगला जी पहुंच चुके हैं। साडे विच सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एमएलए गुरकीरत सिंह जी कोटली भी पहुंच चुके हैं। साडे विच मैंबर पार्लीमेंट सरदार संतोख सिंह चौधरी भी पहुंच चुके हैं। साडे विच मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला भी पहुंच चुके हैं। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग मंत्री साहबान एमएलए साहबान एमपी साहबान एक्स एमएलए साहबान एक्स मिनिस्टर साहबान साडे जिलों के प्रधान साहबान साडे प्रदेश के सारे ही साबका अहुदेदार साहबान साडे सारे ही ब्लॉक के प्रधान साहबान वख-वख पंचायती राज के लोकल बॉडी तो चुने हुए सारे ही नुमाइंदे सारे ही कोऑपरेटिव अदारे के चुने हुए नुमाइंदे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हजारों की तादाद साडे कांग्रेस के वर्कर इत्थे पहुंचे ने। और मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि बहुत ही जल्द
क्योंकि इकट्ठे ही आ रहे थे और रास्ते दे विच लोगों नू दो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हरीश रावत जी के साथ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरीश रावत जी के साथ है हरिपाल रावत जी और संजय जी, उनको रिक्वेस्ट है कि वो हरीश रावत जी के पास आ जाए, वो उनको बुला रहे हैं, हरीश रावत जी के पास आ जाए। रावत साहब, हरिपाल रावत जी और संजय चौधरी जी, एमएलए साहब उधर, एमएलए साहब आ जाओ उधर, आ जाओ बाद सारा कुछ करांगे, ये सारा कुछ बाद करांगे, रख लो। वैसा बात करांगे आप, सारी सेरेमनी सारा सब कुछ नहीं, इतने रख दो इतने साइड पे रख दो। राजा जी अमरिंदर सिंह राजा बुड़िंग साडे साथी, आ जाओ साडे बहुत ही सत्कारयोग नवे चुने गए प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए ने कांग्रेस पार्टी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, मैं बेनती करूंगा कि इजाजत लेके हरीश रावत जी को, बहुत ही सत्कारयोग हरीश रावत जी को, रावत साहब शुरू करते इजाजत मिल गई है, मंच दे संचालन की शुरुआत की जा रही है और मैं बहुत ही धन्यवाद करता समुची लीडरशिप का जिन्होंने अज इतने पहुंच के इस नवी चुनी टीम ने अपना आशीर्वाद देने वास्ते जड़े इतने पहुंचे ने, सारे ही समुची कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, सारे ही वर्कर साथियों, लीडर साथियों, तोड़ा सारे का कोटन कोट धन्यवाद करते हैं। और मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया मैं बेनती करूंगा सब तो पहला संगत सिंह गिलदिया जी नू के आन ते 2 मिनट के लिए अपनी हाजरी संगत दे कोल लवाउण, सरदार संगत सिंह जी गिलदिया वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस पार्टी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश रावत जी, नवजोत सिद्धू जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब, मेरे प्यारे साथियों, आज बड़ी खुशी का माहौल है, तुसीं पंजाब के कोने कोने के विचों अपने नवे चुने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी की ताजपोशी वास्ते
उन्होंने नाम चार वर्किंग प्रेजिडेंट जो लाए गए ने सुरजीत सिंह नागा जी, कमल घोल जी, सुरिंदर डैली जी, दस में मौका मिले। अज इस शुभ समागम साडे बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो कि अज तुहानू आशीर्वाद देने वास्ते इस टीम नू आए ने, बहुत बहुत कैप्टन साहब का सीएम साहब का अज के इस दफ्तर में पहुंचे थे, बहुत बहुत सारी वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। साडे सत्कारयोग साडे बहुत ही जनरल सैकटरी हरीश रावत जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड के सबका मुख्यमंत्री ने, पंजाब के इंचार्ज ने, उन्होंने अज के चार्ज में आप आके हिस्सा पाया है, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी पटल जी सबका मुख्यमंत्री, महाराणी परनीत कौर जी साडे मैंबर पार्लीमेंट, सार लाल सिंह जी सबका प्रधान, सार हंसपाल जी साडे सबका प्रधान, प्रताप सिंह बाजवा जी सबका प्रधान, बहुत ही सत्कारयोग जिन्हें भी मैंबर पार्लीमेंट साडे मंत्री साहबान, मेरे साथी एमएलए साहबान, रस्ते मेरे वीर सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया अते पंजाब के कोने कोने चो आए ब्लॉकों के प्रधान, पिंडों के पंच सरपंच, जिला परिषद के मैंबर, समिति के मैंबर, सारे जिले ऑर्गेनाइजर के सारे सन ने, उन्होंने सारे प्रधान, प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कांग्रेस की प्रधान, यूथ के प्रधान, जिन्हें भी सारे तुसी होर पिंडां च पंच सरपंच आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों बड़ा खुशियां भरिया दिन है, तुहाडे दिलां दी धड़कन नवजोत सिंह सिद्धू जिहदी तुसी काफी चिर तों उड़ीक कर रहे सी, अज मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने अज तुहानूं पंजाब दा नवां प्रधान दित्ता है। मैं अपने वल्लों तुहाडे सारे पंजाब दे वर्करां वल्लों, कि वर्कर रीढ़ दी हड्डी हुंदे ने, मैनूं याद गल आ रही है तकरीबन जो मैं सरपंच हुंदा सी, 20 साल सरपंच, जिला परिषद का मैंबर रहना, फिर मैं लगातार चार टर्मा एमएलए दी मैनूं इलेक्शन लड़न दा मौका मिलियो। मेरे प्यारे साथियों मैं एक वर्कर दे रूप दे विच तुहाडे विच खड़ा हाँ, जे अज मैनूं वर्किंग प्रेजिडेंट लाया गया है सिद्धू साहब दी टीम नाल, ते मैं एक वर्कर सी और मैं अपनी जिंदगी दे विच फैसला कीता है, जिहड़ी भी चीज नूं कदी जिंदगी दे विच तुसीं कदी देखिया होएगा, जिहड़ा बंदा मेहनत करदा है उन्हों जरूर एक दिन मौका मिलता है, तो फिर वो जिंदगी कामयाब होता। मेरे प्यारे साथियों मैं थोड़ा यह कह रहा वर्कर बनके काम करो, जिन्हें भी लीडर ने, एमएलए, मंत्री, जिन्हें साडे पार्लीमेंट मैंबर ने, जे तुसी हलकियां दे विच जाओगे, हलकियां की गल सुनोगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि तुहाडे 22 दी सरकार भी तुहाडी बनेगी। मेरे प्यारे साथियों ये दिन दूर नहीं होणगे, बड़ी बहुमत दे विच तुसी जितोगे। प्यारे साथियों अज खुशियां दा माहौल है, मैं लंबा समा नहीं तुहाडा लैणा, क्योंकि जिंदगी दे विच अहम फैसले जिहड़े ने साडी लीडरशिप करदी है, ते मैं अपनी लीडरशिप मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिन्हां ने नवीं टीम चुनी है उन्हां दा मैं धन्यवाद करदा, हरीश रावत जी दा चेचे तौर ते धन्यवाद करदा कि जिन्हां ने काफी समय तों इत्थे इंचार्ज बन के साडे इस पंजाब दी एक चंगी सोच लै के आए ने, सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। टीम मिनिस्टर दा मैं दोबारा थैंकफुल करदा, धन्यवाद करदा, जे कोई मेरा वीर रह गया होवे वर्कर मेरा, मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदा, सारे जणे आ के आओ, कोई लंबा चिर नहीं चलना पर प्रोग्राम बहुत छेती, एक घंटे का प्रोग्राम है, तो असीं छेती डिबेट देणा। मैं कहना सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, लाके भर पंजाब भर तों आए सारे वर्करां दा धन्यवाद। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। हुण मैं बेनती करूंगा वर्किंग प्रेसिडेंट पवन गोयल जी नूं कि वो आके संगत नाल अपनी हाजरी लवाउण। पवन गोयल जी बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्हां दे नाल मंच ते विराजमान मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब मामलों के इंचार्ज मेरे बहुत ही सत्कारयोग श्री हरीश रावत जी, उन्हां दे नाल बैठे हुए साडे साबका मुख्यमंत्री बीबी रजिंदर कौर पटल जी, महाराणी परनीत कौर जी और साडे वर्किंग जो अज एक्टिव प्रेजिडेंट बने ने डैनी जी, गिलजिया जी और मंच ते विराजमान
मेरे बहुत ही सत्कारयोग मंत्री साहबान, मेरे साथी, मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब कांग्रेस के मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, वख-वख जिले तो आए हुए कांग्रेस पार्टी के अहुदेदार साहबान, अज बड़ी खुशी की गल है कि अज आप इतने इकट्ठे हुए हैं। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी जो प्रधान बने ने, उन्होंने खुशी दे सम्मिलित करने इकट्ठे हुए हैं। सब तो पहला तो मैं साड़ी केंद्र सरकार हाई कमान श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का तह दिल तो धन्यवाद करता है कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया चोण की है। एक बहुत ही जुझारू नेता नवजोत सिद्धू साहब के रूप दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नूं दित्ता है। नाल ही मैं महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करदा, साडी सारी सेंटर हाई कमान का धन्यवाद करदा कि उन्होंने सानू भी एक मौका दिता है कि असी पार्टी के वर्कर के तौर के उत्ते कम करिए। रावत साहब, महाराजा साहब, यह साडे वास्ते बड़ी मान की गल है। मैं समझा मेरे परिवार वास्ते बड़ी मान की गल है कि तुहानू सारे नू पता है कि मेरे पिता लाला भगवान दास जी जेडे के सरदार दरबारा सिंह की बाजार के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर सन, लोगों के एक नेता सन, लोगों नाल जुड़े हुए सन। अतवाद के समय वह शहीद हो गए ते उन्हां दे दर्शाए हुए मार्ग से चलते हुए मैं भी काफी लंबे समय तो पार्टी की सेवा कर रहा हूं और मैं तुहानू दसण दे विच इह खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैं ला ग्रेजुएशन करने तो बाद 1980 दे विच जैतो मंडी विखे अपने पिता जी के नाल कांग्रेस पार्टी के तौर पर वर्कर तौर पर काम किया है। और मैनू यह माण है साडे जिन्हें भी कांग्रेस पंजाब के कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे वख-वख समय से, उन्होंने मैनू अपना आशीर्वाद दिता। मैं अपना सियासी जीवन यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट के वाइस प्रधान तो शुरू किया, फिर मैं जिला कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रधान बनिया, उस तो बाद मैनू जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनिया ते मैं 5 साल तुहाडी रहनुमाई दे विच जिला कांग्रेस कमेटी के बतौर के उत्ते लोगों के बीच विचर के काम किया। उस तो बाद मैनू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सैकटरी बनाया, फिर तुहाडी रहनुमाई दे विच ही मैनू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सैकटरी बनाया। थोड़ी पारखू हक सी साडी हाई कमान की, तुहाडी पारखू हक सी कि मैनू एक नमाने के वर्क नू फिर एक बड़ा वड्डा मान दे सम्मान दिता। मैनू डिस्ट्रिक्ट प्लेनिंग बोर्ड फरीदकोट का पिछले लगभग 1.5 साल के समय के चेयरमैन बनाया और मैं यह दसन दे विच फखर महसूस करदा कि जो भी मैनू मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी लाई मैं वर्कर के तौर पर काम किया, लोगों से विचरिया और अज मैं समझा उस गल का मैनू मान से सिला मिले कि मेरे पिता जी की शहीदी और मेरे किते हुए पार्टी के कामों ने अज मैनू पंजाब दे विच बड़ा वड्डा मान दिता है। और मैं समझदा ये मेरे पिता जी मेरी वड्डी श्रद्धांजलि है तुहाडे वल्लों। मैं अज मेरे श्री सुनील जाखड़ जी आए ने, मैं इन्हां दे हेठां भी काम किया है, उन्हां दा भी मैं धन्यवाद करदा। साडे मंत्री साहबान बैठे ने, साडे मैंबर पार्लियामेंट साहब बैठे ने, सरदार लाल सिंह जी प्रधान रहे, महेंद्र सिंह केबी जी प्रधान रहे, मैं इन्हां दे नीचे भी काम किया है। अज मैं तुहानू दसना चाहूंगा कि साडे वास्ते बड़े माण दी गल है। मैं एक बार फिर तुहानू बेनती करदा, तुसीं बड़ी वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे वख-वख कोनियां तों आए हो और मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि तुसीं कांग्रेस पार्टी वास्ते काम करो। कांग्रेस पार्टी इक अजिही पार्टी है जिहड़ी कि वर्कर नूं भी बहुत वड्डा मान दिंदी है। मैं एक वक्त सीगा मैनू प्रेस मीडिया ने पुछिया कि तुसीं कदे एमएलए नहीं बने, इलेक्शन नहीं लड़े, परंतु मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि उन्हां दी पारखू आखदे अज सानू वर्करां नूं मान दित्ता है। मैं ज्यादा समा नहीं लूंगा,
मैं महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का नवजोत सिद्धू जी नूं यह विश्वास पाउणा है कि जो तुसी मेरे ते जिम्मेवारी लाई है मैं तुहाडी गाइडेंस दे नाल मैं साडे इत्थे मेरे बजुर्ग बैठे ने उन्हां दे आशीर्वाद नाल मेरे साथी भरा बैठे ने उन्हां दे सहयोग दे नाल उन्हां दी शुभकामनाव दे नाल ते उस परम पिता परमात्मा उस वाहिगुरु दी कृपा दे नाल जो मैनू जिम्मेवारी लाई है मैं तुहानू विश्वास पाउणा है कि मैं अपनी तनदेही दे नाल उस जिम्मेवारी नूं निभाऊंगा। साडा केवल ते केवल इको मिशन है 2022 दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार आवे ते केंद्र दे विच श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी जी असीं हथ मजबूत करिए। एक बार मैं फिर तुहानू सारे नूं इत्थे पुंजे ते निघा स्वागत करदे ते जी आए कहना और उम्मीद करदे कि तुसीं जिहड़े जोश ते होश नाल इत्थे आए हो आउण वाले 5-6 मिंटां दे विच जिस तरह पहला साडे 2-3 बहुमत आया सी पंजाब दे विच उदू वड्डा बहुमत लैके पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाईए। इन्ना कहिंदा होया मैं मंच ते विराजमान जिन्हें भी मेरे लीडर बैठे ने उन्हां दा धन्नवाद भी करदा ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत भी करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों ए वर्कर की पछाण होई है पवन गोयल जी ए कोई MLA नहीं गे कोई मंत्री नहीं गे कोई MP नहीं गे इन्होंने कदी कुछ नहीं बने ए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जी ने आपां नूं वर्करां नूं मान बख्शिया। सो ए कोई भी आ सकदा ए कोई जरूरी नहीं कि प्रधान कल्ला MLA जां MP बनूगा जिहड़ा कोई चोन लड़िया एक प्रधान वर्कर भी बन सकता है यह उदाहरण है। सो इस करके साथियों एक मैं बहुत ही भरे मन दे नाल एक मैं तुहानूं एक बड़ी दुख की खबर साडे कोले पहुंची है मैं 2 मिंट लई उहदे वास्ते मौन करूंगा कि जीरा तो बस जिहड़ी वर्करां दी साडी इत्थे आ रही सी उहदा एक्सीडेंट मौके दे कोल हो गया और तीन साडे सत्कारयोग वर्कर जिहड़े ने उन्हां दी मौत जिहड़ी है उहदा सानूं सुनेहा मिलिया तकरीबन 20 तों 25 जिहड़े ने उह फट्टड़ हो गए ने और काफी सीरियस ने। सो मैं सिर्फ सारी संगत नूं समुची लीडरशिप नूं बेनती करूंगा कि 2 मिंट दे लई आपां उन्हां दे वास्ते खड़े हो के आपां उन्हां नूं एक मौन धारण करके उन्हां नूं श्रद्धांजलि दईए। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चे पातशाह उन्हां दी रूह नूं शांति बख्शे और सानू सारिआं नूं परिवार नूं पाणा मन्नण दा बल बख्शे। और प्रधान साहब ने कहा है सिद्धू साहब ने कि फंक्शन खत्म होण तों बाद सीधा उत्थे उन्हां दे कोल जीरे जाणगे प्रधान साहब उन्हां ने हुणे कहा। और हुण मैं प्रोग्राम नूं अगे चलाउंदा होया साडे नवे चुने वर्किंग प्रेजिडेंट सरदार सुखविंदर सिंह
डैनी बेनती करूंगा कि वह आके संगत के नाल अपना राबता कायम कर अपना संदेश देन। और दो मिनटों के मेरी बेनती है सारे साथियों बोलने वाले कि समय का थोड़ा जहा ध्यान रखा जाए, सिर्फ हाजरी ही अच्छ आप लवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब मामलों के इंचार्ज जनरल सैकटरी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे अति आदरणीय श्री हरीश रावत साहब, उन्होंने नाल मंच से विराजमान पंजाब के साडे अति सत्कारयोग मुख्यमंत्री साहब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने नाल मंच से विराजमान बहुत ही सत्कारयोग साडे नवनियुक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब, और मंच से विराजमान सारे ही कांग्रेस पार्टी के सत्कारयोग नेता साहिबान। हुक्म होया नागरा साहब वालों भी केवल एक दो मिनटों के हाजरी लगवा के समय का ध्यान रखना है। मैं क्षमा चाहना मंच से बैठे सारे ही साढ़े सत्कारयोग लीडर साहबाना को कि तुहाडा नाम ना लैन के कारण मेरे को जो कोताही हो रही है मेरे अपने मन में ठेस पहुंच रही है। और उन्होंने नाल अज इस पंडाल दे विच इस कांग्रेस भवन दे विच पंजाब के कोने कोने तो चल के आए कांग्रेस पार्टी नू आशीर्वाद देने वास्ते आए। कांग्रेस पार्टी की साड़ी रीढ़ की हड्डी साड़ी जिंद जान साडे वर्कर साथी साहिबान तुहाडे चरणों के विच सीस चुका के फतेह बुलाना। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज मेरे कन्नां दे विच बोल गूंज रहा है मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा असी उच्चिया दे संग लाइया सदके जावा उन्हां उच्चिया दे जिन्हां नीवियां संग निभाइया। अज मेरे दिल दियां गहराइयां तो रोम रोम मेरा कोटन कोट धन्नवाद करता है साडे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष साहिबा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, देश के हिंदुस्तान के नौजवान दिलों की धड़कन, और साडे दलितों के मसीहा श्री राहुल गांधी जी का जिन्होंने एक बहुत वड्डी अहम जिम्मेवारी इस दास ते इस निमाणे के मोढ़ियां ते पाई। और मैं विश्वास दिलाना चाहना समुची कांग्रेस पार्टी के लीडर साहिबाना नूं, और विश्वास दिलाना चाहना कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहिबाना नूं कि जो इस दास ते इस निमाणे ते जिम्मेवारी पाई है गुरु साहब कृपा करन इस दास नूं निमाणे नूं साहस बल और शक्ति बख्शिश करन। कोई भी अजिहा कदम जो कांग्रेस पार्टी नूं तकड़िया करन वास्ते मजबूती वल लैके जाएगा वह कदम दास हर वेले कांग्रेस पार्टी की मजबूती और चढ़ती कला वास्ते पुटेगा। इस गल का मैं विश्वास अपने कांग्रेस पार्टी के वर्कर साथियों को दिलवाना है। और दूसरी वड्डी गल श्रीमती सोनिया गांधी श्री राहुल गांधी श्री हरीश रावत जी और कैप्टन साहब असी सारे परिवार मैं समझदा कि एक जड़ी बड़ी वड्डी पारखू अख और बड़ी वड्डी सोच के नाल जड़ी एक जिम्मेवारी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के मोढ़ियां दे उत्ते कांग्रेस पार्टी ने पाई है। तो मेरा यह मानना है कि जदों भी किसी जथेबंदी की जदों किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था की वागडोर किसी काबल हथां दे विच जांदी है ते उह संस्था उह जथेबंदी दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करती है। तो दोस्तों इह गल दे विच मैनूं कोई कहण च कोई हिचकिचाहट नहीं कि कांग्रेस पार्टी की वागडोर अज ऐसे काबल हथां दे विच आई है कि कांग्रेस पार्टी दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करेगी। और जितों तक रही गल 2022 दीआं चोणां नूं ता मानयोग साडे सीएम साहब बैठे ने साडे पाणियां दे राखे ने पंजाब दी किसानी नूं इन्हां ने बहुत वड्डी दिशा और दशा दित्ती और पंजाब दे किसानां नूं हमेशा हिक दे नाल लाया। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब जब दोनों मिलके काम करनगे
एक ते एक ग्यारह तो मैं विश्वास के नाल कह सकता इस मंच तो गल कि 2022 दीआं चोणां दे विच कैप्टन साहब और सिद्धू साहब और जिहड़ा वर्कर है कांग्रेस पार्टी का अज मैनू इन्हां दे कदमां दे विच 440 वोल्ट का करंट जिहड़ा नजर आ रहा है। अज मैनू कांग्रेस पार्टी के वर्कर के पैरां दे विच जिहड़ी खुशी है वह साफ झलकदी नजर आ रही है। और 2022 दे चोणां दे अंदर 2022 दीआं चोणां दे अंदर अगर सत्कारयोग मैं कहना चाहुंदा लीडरशिप नूं जे इसे कांग्रेस पार्टी के वर्कर ने 2022 दीआं चोणां दे विच सुखबीर सिंह बादल ते अरविंद केजरीवाल नूं खुड्डा जिहड़ा वाड़ता ते मेरा नाम वटा दिओ भी इह की कीता इन्हां ने कांग्रेस पार्टी दी पार्टी 2022 दीआं चोणां च कांग्रेस पार्टी एक बार मुड़ दुबारा पंजाब सरकार बनाएगी। लोगों के अंदर असी जाके पंजाब निम्रता सहित उन्होंने को भरोसा मंगांगे उन्हों का प्यार सत्कार और विश्वास मंगांगे और मुड़ दुबारा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इन्हों शब्दों के नाल इन्नी हाजिरी करना प्रवान। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण इस तो पहला के जाकर साहब को बेनती करा सत्कारयोग मैं बंदे मातरम का जो साडा एंथम है वास्ते मैं साथियों सेवा दल वालों कहूंगा कि वो अपना बंदे मातरम का एंथम जिहड़ा हैगा आ वो इत्थे गायन कर। सारे ही साथियों बड़ी नम्रता सहित बेनती है अपनी अपनी जगह के उपर खड़े हो जाए। बंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। हुण मैं बेनती करूंगा बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत लंबा समा अपना समा दिता पार्टी दिया जो नीह ने जिन्होंने मजबूत कीतिया और बहुत ही दृढ़ता दे नाल अपोजिशन का जो सामना किया। मेरी मुराद है साडे साबका प्रधान सुनील जाखड़ जी वो आके संगतों के नाल मुखातिब हो। सुनील जाखड़ जी बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग साडे पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत ही आदर ते सत्कार दे योग साडे AICC दे जनरल सैक्रेटरी इंचार्ज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड हरीश रावत जी बहुत ही सत्कार योग साडे नवे नवेले नवनियुक्त ECC दे प्रधान नौजवान दिलों की धड़कन नवजोत सिंह सिद्धू जी बहुत ही सत्कारयोग जिहड़े मानयोग सोनिया जी ने साडे कांग्रेस अध्यक्षा ते राहुल गांधी जी ने चार वर्किंग प्रेजिडेंट जिहड़े ECC दे नियुक्त किए हैं बहुत ही सत्कारयोग नागरा साहब डैनी जी गिलजिया जी गोयल साहब मंच ते विराजमान साडे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सत्कारयोग बीबी पटल जी ते सारे फॉर्मर PCC प्रेजिडेंट साहिबान
मंत्री साहबान बहुत सारे सामने बैठे है, एमएलए साहबान, महिला कांग्रेस के प्रधान, यूथ कांग्रेस के प्रधान, एनएसयूआई के प्रधान, एमपी साहबान, खास तौर पे मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर साथियों, फतेह कबूल करो। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अज आप एक बड़े खास मकसद नाल इत्थे कट्ठे होए हैं, जिम्मेवारी संभालनी है सिद्धू साहब ने। पर उस तो पहला मैं कुछ दिल दियां गल्लां थोड़े नाल सांझियां करना चाहता। ज्यादा समय मैं नहीं लेना सीएम साहब, आई नो सारे लोग अज थोनू सिद्धू साहब नू सुनू इत्थे आए हैं, पर एक गल जिहड़ी मैं घर बीती नहीं गिलजिया साहब, मैं सामने पर बीती की गल करना भी परले खेमे च की गुजर रही है उसकी गल करूंगा। शायर ने कहा है, कहते चर्चा खबर थी गर्म, खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे। भी अज गालिब के चिथड़े उड़ने हैं। खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे, हम भी पहुंचे थे पर तमाशा ना हुआ। आज बहुत सारे विरोधी पार्टियां साडे जेडे पार्टी के अंदर बैठे छुरा मारन वाले है, बड़े अज बांछा खिलिया सी भी अज उत्थे जाके देखांगे पटाके पैणगे, पटाके पैणगे। कई साथियों ने कोई कह दूंगा, देखो मैं मनप्रीत जी वर्गा काबिल तो नहीं, ज्यादा उर्दू या फारसी मैनू नहीं आती, मैं पंजाबी च तर्जमा कर देना क्योंकि पंजाबी जिहड़ी जबान है, बाकी सारे उहदे वर्गी एक्सप्रेशन हो नहीं सकता कि जिवें पंजाबी जबान च कहा जाता है। एक किसी का आपसी दोस्ती सीगी, याराना सीगा, प्यार सीगा, परवान नहीं चढ़िया। पिंकी जी रिश्ता करता परिवार ने, पर जेडे दुलते दुखड़े सीगे ओ सरीके वाले टिचरा करन वाले। उदो एक पंजाबी गाना है, दो लाइना मैं थोनू शेयर करूंगा, कहिंदा जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, ते लोकी मैनू वेंदे आण के ओनू देखण नहीं जांदे। सुखी साहब हसण वाली गल नहीं, इत्थे देखदे सी वी सुनील ते की गुजरदी है, अच देखदे आ वी कैप्टन साहब किवें करदे है। मैं आभारी हां कैप्टन साहब तुहाडा, आई एम ग्रेटफुल टू यू। एक मिनट यार हम गल कह रहे दो, बाद चे नारे ला लो, नारे अजे समय बहुत पे है, नारे ला लो। पर कैप्टन साहब एक मिनट यार साहब, मैं हंसपाल जी बुजुर्ग हो तुसी, मैं कह जे शख्स हाँ, आई ऑलवेज कैरी माई हार्ट ऑन माई स्लीव, बाहर रखना साहब, मैं कोई हांडी दे विच कूड़ नहीं पोड़दा, यारी है तो खुल के निभाने हैं, ते कोशिश करते हैं भी दुश्मनी भी पूरी पकाई है, सिरे ते ला के चढ़ते हैं सर, सिरे ते कोई एवं लुक छिप साडे कोल है नहीं। 20 साल कैप्टन साहब के नाल किसे गल्लों ही निभाई होनी है, तो नहीं निभती। परिवार च रौला पै जांदा साहब, परिवार खिलर जांदा, भरावां च रौला पै जांदा, क्यों? कोई किरदार तो होना, यूं ही तो नहीं कोई बुतों का कायल होता, कुछ तो हुनर होगा, कोई तो गल होनी है। रहीम ने आख्या, रहीम ने आख्या, कहना छिमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरी को घटी गयो जो भृगु मारी लात। भगवान कृष्ण का कोई फर्क नहीं पाया, भृगु महाराज ने नाराज होके कोई गल कहती, रहीम कहने कृष्ण भगवान तो सब कुछ समेट के चलते हैं। यार मैग्नेनिमिटी सीएम साहब हैज एंडियर्ड यू टू पीपल ऑफ पंजाब, तुसी एक पंजाबी वाली गल कीती है, आ एक शोभा दिंदा है, क्योंकि जिड्डी वड्डी जिम्मेवारी थोड़े ते पै जांदी है, जिड्डी वड्डी तुसी हैसियत से पहुंच जांदे हो, उसे किस्म दी जिम्मेवारी भी निभानी पैंदी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, पंजाबियों वास्ते
कांग्रेस पार्टी वास्ते तो है ही है, पर बहुत वड्डी अज जिम्मेवारी मैं बधाई देना चाहूंगा सिद्धू साहब, अज फॉर्मली बधाई देना चाहना। मैं दो दिन भी तुसी आए, मैं पूछा, मैं क्या गुलदस्ता वगैरह मंगाइए, मेरे को कोई फर्जी कम है नहीं, मैं ना गुलदस्ता लेके आया ना मैं उस तरह की कोई गल करता। मैं तो इन्ना कहूंगा सब मौके रोज रोज नहीं मिलते, बंदा परखिया बहुत घट जाता है, रोज रोज भी परखन लग जाओ ना तो भरे तो फेल हो जाएगा। तुम आइंस्टाइन को बिठा लो, रोज इम्तिहान लो, तीजे दिन फेल भी हो जाएगा। बंदा एक बार सुरखरू होकर निकलता, थोड़े से बहुत वड्डी जिम्मेवारी सोनिया जी ने पाई है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी। एट ए टाइम जो असी इलेक्शन के मैदान च उतरना रहे, नितरना पऊगा, उत्थे इलेक्शन दरपेश खड़ा है, ते अज इस मौके से जिम्मेवारी दिती है, बड़ा सोच समझ के दिती है। लोग सुनील से देखते सीगे, अज नहीं उस दिन भी देखते सी, कोई कहता किसी अखबार ने लिखा सुनील की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी थी, हुण देख लो साहब मुस्कुराहट ठीक लगती है कि नहीं लगती। जे सुनील नू चार साल दो महीनों बाद जे फीकी मुस्कुराहट है साहब, सुनील तो फिर कहते ना यदा ढिड नहीं रचता, किसी का नहीं रचता साहब। मैं मेरे को शब्द है नहीं धन्यवाद करना साड़ी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मैनू आ मौका दिता इस एडी वड्डी फौज की सेवा करन दे, इन्हां दे नाल काम करन दा, मोढे दे मोढा नाल ला के काम करन दा दिता। सो मैनू इस गल का मान है, इस प्रिविलेज, इस दिन प्रिविलेज स्वामी, सिंगुलर ऑनर। एक बारी नहीं सर, दो बारी पुछो, दो बारी किवें अस्तीफा दे के आया सी समय साहब 2019 दे अंदर। लोगों का फतवा सीगा, मेरी जिम्मेवारी बनती सी भी मैडम किसी नूं तुसीं जिम्मेवारी सौंपना चाहते हो, उन्होंने कहा नहीं सुनील जाके संभालो। ते अज खेड़े मथे मैं कहना कैप्टन साहब तो वध हिस्टरी कोई नहीं जानता, ते खास तौर पर वॉर हिस्टरी कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर सैकेंड चालू हो गई सी, चैंबरलैन ने डिकलेयर करती सी वॉर अगेंस्ट जर्मनी, उदों प्राइम मिनिस्टर चेंज किया गया, चर्चिल नूं लिया गया सर। चर्चिल पहला लैके आए सी 2017 च, उहदा नतीजा देखो, जिहड़ियां फौजां सीगियां दुश्मन दियां कित्थे, जिहड़े 25 साल राज करन वाले सी अज 25 गिणती भी नहीं पहुंच सके सर। अज जदों फिर असीं लड़ाई दे मुकाम ते उतरे आ, ते जिवें हुणे डैनी जी कह रहे सी हुण तां जरनैल ही दो करते, हुण तां नाल इक कमांडर इन चीफ ते इक कमांडर, दोनों जो मैदान च उतरनगे साहब, आई हैव नो डाउट एट ऑल। जे किसी नूं भरम भुलेखा है कढ दिओ दिमाग च, इत्थे कोई हताशा नजर नहीं आ रही किसी नूं, किसी दे कोई नमोशी है नहीं, हौसले च आए है सारे। सानूं पता है कि पिछले 2-3 महीनों तो आ जिहड़ा एक बॉन्ड जिहा खड़ा होया है, लोगों के विच तरह तरह दीआं गल्लां चलण लगियां, पर आई कैन ऑलसो टैल यू साहब अज मौका जदों कट्ठे होके निकलांगे आपां, समाना बहुत है साडे कोल। फौज जदों लड़ाई च उतरदी है बिना हथियार फौज नूं किवें भेज दोगे साहब, जे रैफल है नहीं, जे तुहाडे कोल एमुनिशन है नहीं, जे अज चीन नाल साडे नौजवान उत्थे मोर्चे ते खड़े है, ते उहनां कोल जे असला है नहीं फिर किवें लड़ाई लड़ांगे। असला बहुत दित्ता साहब, यू हैव प्रोवाइडेड एनफ एमुनिशन सीएम साहब, रफाल भी है साडे कोल, किहड़ा काम जिहड़ा असीं नहीं कीता। 10 साल लगे सीगे 250 तो 500 पेंशन करन वास्ते साहब, 10 साल। आ जदों 1500 पेंशन कीती है कोई खड़का ही नहीं, कितें बोलदा ही कोई नहीं, गल ही नहीं करदा कोई। साडियां बीबियां भैणां बैठियां इन्हां वास्ते 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज इलेक्शन दे अंदर साहब, शगन 51,000, 5 लाख रुपये का बीमा सिद्धू साहब किन्ने 46 लाख परिवारों का किया, 46 लाख परिवारों का साहब, 46 लाख परिवारों का। मैं कोई गिनती बहुत है, मैं अच्छे देखो मौका आऊंगा, इलेक्शन दिया स्टेजी सजन गिया,
पर मैं कई गल्लां मैं करनियां चाहना सा अलोंग विद दिस। जदों 71 दी लड़ाई हुई, 65 दी लड़ाई हुई, असीं बार्डर ते बैठे हैं, इधर गुरदासपुर भी बार्डर है, उधर अबोर फाजिलका भी बार्डर ते बैठे हैं। उदों बड़ी चर्चा सी वी आ वणगे जी, थोड़ा दा पिंड दप लैणगे जी, उन्हां कोल पैटन टैंक है जी, उन्हां कोल सैबर जेट हैगे, अपने कोल तां नैट सीगा, को पुराने हंटर लई फिरदे सीगे। फर्क की सीगा? फर्क सीगा जज्बे दा, हौसले दा। फौजां हौसले नाल लड़दियां, थ्री नाल ठोकते सी असीं दा चीनी जिहड़े, उन्हां कोल ऑटोमैटिक वैपन सी, असीं थ्री नाल ठोकते, साडे कोल नैट सीगा, असीं सैबर सिखते, क्योंकि हौसला सीगा। अज साहब एमुनेशन तां तुसीं देता, पर हौसला चाहिए वर्कर नूं साहब। आई एम सॉरी टू से कैप्टन साहब, तुसीं यू हैव बीन ओवर इंडल्जेंट टुवर्ड मी। तुसीं किसे काम वास्ते मना नहीं कीती सुनील नूं, जदों मैं गया थोड़े मुंह मैं नन्ना नहीं सुनिया, बट समवेयर अलोंग द लाइन जिहड़ा तुसीं किया ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੀਵਿੰਗ ਯੂ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਜੈਂਡਾ ਸਰ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਸਭ। ਦੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਪੋਨੈਂਟ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਮਾਰ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਨਿਬੜ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਬੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਮਾਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਮਾਰ ਗਈ, ਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾਵੜੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਡੁੜੇ ਵੇੜਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਮਬੈਸਡ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਨ ਯੋਰ ਆਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਟਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੜਚਣਾ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰੇਅਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਕਿਨ ਟੂ ਅ ਡੈਮੀ ਗੋਡ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਮਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਟਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ
मैं रोज इन्हां दीआं गल्लां तकरीरां सुणदा आम आदमी पार्टियां दे अकालियां दीआं ते होर कोई मातड़ इधर उधर तीजे चौथे कोई ना कोई मारदा सलाह दे दिंदा है। वह भुल गए जदों काले कानून आए सीगे 5 जून नूं 5 जून नूं किसानी नूं लैके पाणे काले कानून जदों आए है। अज जे बीजेपी आले घरां च वड़े बैठे है बीजेपी आले लोकां च निकल नहीं सकदे क्यों क्योंकि काले कानून के विरोध से पंजाब उत्तर खड़ा रहा सारा पंजाब नित्र आया। उस मौके पर कोई होर मुख्यमंत्री होंदा साहब आ जिहड़े अज धरने बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं आ धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने से अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजिया हुण सिद्धू साहब थोड़े कोल ही है एक मिनट सुन लो गल थोड़ी शांति दा आ गई थोड़िया सारे दे प्लीज आ गई थोड़ी गल पहुंच गई सर जे अज मौका ना संभालिया होंदा ते किसानां दा गुस्सा इत्थे पंजाब दे विच देखन नूं मिलना सीगा पर कैप्टन साहब नागरा साहब मैं एक मिनट बड़ी अहम गल कहण लगा राव साहब बोलियो राव साहब थोड़े कोल मैं बथेरा उहदे बाद थोड़े जो कही है कम संभाल लो मैं एक मिनट बड़ी गल सीएम साहब दे निगाह सीएम साहब आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस मैं अपने इस अहुदे नूं चाहे मैं अज फॉर्मर पीसीसी हो गया पर कांग्रेसमैन ते महा साहब मैं थोड़े नाल मेरा लगाव 20 सालां दा इहदे ते आई विल नॉट बी ऑनेस्ट वेल विशर अगर मैं थोनू आ ना दसा जिहड़ा किसान दिल्ली दी बॉर्डर ते बैठा है जिहदा बच्चा चाइना पाकिस्तान दी बॉर्डर ते बैठा है वह एक सच्चा गुरु का नाम लेवा भी ओहदा काल जा बलूंदरा पिया है ओहदा काल दा बलूंदरा पिया है जदों भंगड़े पाते हैं ना भंगड़े पाने वाले नूं नत्थ पानी पऊगी रब साहब आप जाके एक मैसेज लेके जाना वापस सोनिया जी राहुल जी के पास में कांग्रेस का नेशनल लेवल के ऊपर रिवाइवल जो है उसका रास्ता पंजाब से होके जाता है और पंजाब का एक मिनट यार गल सुन लो और पंजाब कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का रास्ता कोट कपूरा और बैदल कलां से होके जाता है साहब साहब अज इतिहास कन्नी झाकी मार के देखिए बड़ी लंबा इतिहास देखने की लोड़ नहीं 15 अगस्त 1947 याद करो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स नेहरू जी ने की किया सी लॉन्ग टाइम अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी सीएम साहब Almost 4 years ago, we made a tryst with the people of Punjab and ourselves and our faith that we will bring these culprits to justice. And I know CM sir, you are keeping the best for the last. Aaj jalwa tusi dikhaoge, sanu puri umeed hai. Inhan lokan nu आने वाली थान जिन्होंने बेअदबियां कीतियां उन्होंने आने वाली थान लेके जाओगे इस करके साथियों हौसला इसे तरह ही बरकरार रखियो ज्यादा लंबिया देखो गल्लां करन वालियां दा बहुत है शामा पै जाणगियां पर एक गल मैं राव साहब ने दियो और परमिशन अज मैं एक वर्कर की हैसियत नाल बोल रहा बुरा ना मनियो सब माफ होता है वर्कर अपने जेड़ी देखो जेड़े रुसे है ना हरेक ब्याह च जिवें होंदे ना कोई कहिंदा वी इस परिवार का फुफड़ है सवेरे रुस जांदा शाम नूं मनाईदा सवेरे फिर रुस जांदा अपने कांग्रेस में एक रिवा
रिवायत बन गई साहब, जेड़े रुसके जावड़े है रंधावा साहब, जेड़े रुसके जावड़े उन्होंने तो मनान करे जाते रहते हैं, ते अच थोनू चापियां की ने पकड़ानियां सी साहब, अच चापियां की ने पकड़ानियां सी के थोनू ऐसे नवे मकान दिया, अच थोनू सुनील जाखड़ याद ही नहीं रहा, सुनील जाखड़ कांग्रेस का पैदाइश है साहब, सुनील जाखड़ अच मैं स्टेज ते खड़ा कांग्रेस करके खड़ा, मेरी गल नहीं, जेड़े लोग रोज रुसके जावड़े है तुसी मना के फेर ले आने हो वो फेर रुस जाते हैं, आ कांग्रेस के फुफड़े साहब उन्होंने आने वाली थान लाओ, आने वाली थान लाओ, उन्होंने तमाशा बनाता, मैं एक मिनट साहब, एक मिनट साहब प्लीज सुन लो यारो, ओदे बाद मैं नहीं थोड़ी जान खड़ी प्लीज, अच्छा जिन्हों इंग्लिश कहते हैं ना स्वान सॉन्ग कहते हो, हंसी जो मरता ही लास्ट एक गाना गा के फिर चेते, सो दैट्स अबाउट इट, मैं एक गल कह लगे, कई लोग चर्चावां चल रही है, जो दो तीन महीने हुए बड़ा लोगों के किरदार पछाने गए, चनी साहब लोग नित्र गए चंगे माड़े की पछाण हो गई, कई ने साढ़े को पता नहीं इतने पेगसिस है कि नहीं तो सेंटर वाला मंग लीए, सरदार लाल सिंह जी तुस्त चालू जान हो थोनू पता होना कि सुन के देखो कि ने तार जोड़ रखिया सीगिया, किसी ने अमित शाह के नाल, किसी ने केजरीवाल के नाल भी मार के टपूसी जावड़ांगे, ए नहीं साहब एक मेरी बेनती है, मैं कोई बुढ़ापन वाली गल नहीं करता, बड़ा निमाण चेत्र, आई एम नॉट हेयर टू चैलेंज एनीबडी, हू एम आई, मैं तो एक छोटा जा वर्कर हाँ, पर एक गल कहनी चाहूंगा, मैं गल कहनी चाहूंगा जो सुनो तो सुमित जी एक मिनट छड़ दो, एक मिनट वेला कर दो, बाद करते रहो गल, खुदा जाने ये दुनिया जलवा गाय खाक है किसकी, खुदा जाने किदे करके आ महफिल सजी है, खुदा जाने ये दुनिया गाय लाश है किसकी, हजारों उठ गए लेकिन सुनो मेरे कनी झाक के सुनो, जिन्होंने मैं कह रहा हूं हजारों उठ गए लेकिन यही रौनक है मजलिस की, आ मजलिस का ऐसे तरह सजदियां रहनी है, कांग्रेस पार्टी है, इतों बथेरे गए बथेरे आ गए, वो कहने ना असल पंजाबी मुहावरा तो नहीं बोलता, कहना मेरा शेर घूम फिर के बोर हेठा आना, इतने तकड़े हो गए, आओ तकड़े होके मत मजबूत करिए, आ जड़े अनफिनिश्ड एजेंडे है पंजाब दे, पंजाब दे लोग आज इतिहास देख रहे हैं, इतिहास देख रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं बड़ा कायल हूं साहब, उन्होंने की किया सीगा, कहना आई होप हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी, इन्होंने तो मेरी कदर नहीं पाई, बट आई होप एंड आई थिंक हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू यू, बट आई एम हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, कैप्टन साहब बैठे है, सिद्धू साहब बैठे है, साड़ी लीडरशिप बैठी है, साहब अंदर हिस्ट्री कैन बी काइंड, हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी वेरी हार्श इफ वी फेल इन अ ड्यूटी, मैं वाहेगुरु तो अरदास करदा, वाहेगुरु साडे पंजाब ते हमेशा अपना मेहर भरिया हथ रखी, ते साडे कांग्रेस दे जेडे वर्कर है, कांग्रेस की लीडरशिप है, कैप्टन साहब है, सिद्धू साहब है, इन्हां नूं बल बख्शी ताकि पंजाब की बेहतरी वास्ते साडा हसदा खेड़दा रंगला पंजाब इसे तरह वसदा रहे, इन्हां लोकां नूं आने वाली थां जिहड़े जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां पंजाब दा कारण कीता उन्हां नूं उत्थे पहुंचाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साडे विच बहुत ही सत्कारयोग साबका प्रधान सरदार प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे ने, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद, श्री उदित राज जी स्पोक्सपर्सन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्स एमपी ओ भी पहुंचे ने, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हुण बेनती करूंगा सत्कारयोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर साबका मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री हरीश रावत जी आके पंजाब के जुजारू
वर्करां नूं अपना संदेश दे के जाण श्री हरीश रावत जी। आज की इस कांग्रेस की बहुत खुशनुमा महफिल के रूए रवां हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी, हमारे पंजाब और देश के अत्यधिक सत्कार योग्य, बहुत सम्मान योग्य, जिनको हम केवल पंजाब का राष्ट्रीय एक स्तंभ नहीं समझते बल्कि अपने देश का भी एक राजनीतिक स्तंभ मानते हैं, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, अभी जिन्होंने बहुत बड़ी एक बड़े दिल के साथ जिस तरीके से कांग्रेस की रवायत का खैर मकदम किया और यहाँ आपके नवनियुक्त प्रधान को बधाई देने के लिए पहुंचे हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष और आगे की हमारी कई संभावनाओं के मालिक श्री सुनील जाखड़ जी, और मैं चाहूंगा एक बार जरा सुनील जाखड़ जी के लिए आप सब जरा ताली बजाने का काम कर दें। हमारे सबका प्रेसिडेंट और पंजाब कांग्रेस के जमीनी नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, हंसपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, राजेंद्र कौर भट्टल जी हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स प्रेसिडेंट हमारी बड़ी बहन, लाल सिंह जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जब उनको नाम ले लिया तो सारे वरिष्ठ लोगों का नाम उसमें जुड़ जाता है, हमारे सांसदगण, हमारे चारों वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा जी, दैनी साहब, संगत सिंह जियान जी और पवन गोयल जी, यहाँ पर हमारे मंचासीन AICC के नेता उदित राज जी जो दलितों की आवाज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, हमारे सभी मिनिस्टर साहबान कुछ मंचासीन हैं कुछ मंच से नीचे बैठे हुए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वर्तमान ओहदेदार, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्षगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों सांसदगण जिनका नेतृत्व प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ, मैं आप सब बहनों और भाइयों को आपके इस खुशी के मौके पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, प्रियंका गांधी जी की तरफ से आज के इस शुभ मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देने आया हूं। आपको आपका नया प्रधान बहुत बहुत मुबारक। मैं प्रधान जी अपना एजेंडा क्या बताएंगे वो खुद आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस परंपराओं के बल पर आगे बढ़ती है और हमको उन परंपराओं के झंडे को आगे लेकर के चलना है, इसीलिए 137 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी आज भी जवान है और हमारी परंपरा है सबको साथ लेकर के चलने की, सबके साथ खड़े होने की। और सिद्धू साहब
आज सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से सबको शांत लेकर के चलने की ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक जवान कंधे के तौर पर आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपको ताली नहीं बजाई, सबको साथ ले। और जब मैं साथ ले चलने की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं सामान्य जो कार्यकर्ता हैं, उन मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं उस साथ लेकर के चलने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता ही हमारी लड़ाई का हिरावल दस्ता है। आप सोनिया गांधी की लड़ाई के हिरावल दस्ते हैं, मगर इतिहास ने पंजाब के कांग्रेस के साथियों आपको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा किया है जिसमें, और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ला करके खड़ा किया है ऐसे मोड़ पर, जिस मोड़ पर आपका कंपटीशन कि कौन कांग्रेस के अंदर जीत का टर्निंग पॉइंट बनेगा, एक पंजाब है और दूसरी तरफ उत्तराखंड है, एक इस समय मेरी कर्मभूमि है और दूसरी मेरी जन्मभूमि है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति की भावनाएं, जन्मभूमि भी कहती है कि तेरी भावनाएं कर्मभूमि के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अब पंजाब के कांग्रेस के साथियों और सम्मानित नेतागणों, आपको तय करना है कि 2022 में कांग्रेस की जीत के सारे देश में 2024 तक परचम को लहराने का काम पंजाब कांग्रेस को करना है, या ये काम आप उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर छोड़ेंगे। और मैं तो चाहूंगा, भगवान करे, वाहेगुरु से मैं अरदास करूंगा, मैं सभी यहाँ के देवस्थलों से गुरु ग्रंथ साहिबान गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करूंगा कि वो हमको इतनी ताकत दे कि हम पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत का परचम लहराएं और 2024 में हम देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएं। ठीक है, वाहे श्री गुरु जी का खालसा, वाहे श्री गुरु जी की फतेह। ठीक है, चंगा है ना। और ये काम कैप्टन साहब, इतिहास ने आपके कंधों पर डाला है। मैं आपकी मैग्नानिमिटी का कायल है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी तरफ हम हमेशा के लिए प्रेरणा के लिए देखते रहे, और जिस तरीके से आपने किसानों की लड़ाई और आप गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ी है आपने, हर तरीके से जिस प्रकार से पंजाब जैसे सीमांत प्रदेश के अंदर सारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब आप जिस नौजवान का कभी बचपन में आपने हाथ पकड़ा होगा और हाथ पकड़ करके कहा होगा इत्थे आ इत्थे बैठ, तो आज उसी नौजवान के नेतृत्व में इतिहास ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप 2024 के अंदर कांग्रेस को पंजाब के अंदर जीत की तरफ लेकर के जाने का काम करें 2022 में, और 2024 में भी जीत करके ले जाने का काम करें। 2022 में जीत का पूरा पूरा दायित्व आपके कंधों में है। और एक बात मैं जानता हूं कि शेर शेर रहता है, वो कभी भूला नहीं। लेकिन मैं
मैं एक बात ये भी जानता हूं कि शेर मन का भी राजा होता है और इसीलिए उसको राजा कहा जाता है। और आपने सब चीजों को आगे पीछे कुछ नहीं देखते हुए अब केवल आप 2022 देखेंगे ताकि देश के सारे कांग्रेसजनों के लिए जिसमें मुझ जैसे 73 साल के लोग भी सम्मिलित हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सबको जोड़ करके 2022 में हम सबकी जीत का रास्ता प्रशस्त करने का काम करते हैं। मैं लोगों के आंखों की चेहरे की चमक देखने का काम कर रहा हूं जो 2022 का नाम लेते ही उनके आंखों में चमक आ रही है। नवजोत जी मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना। आप लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आप में प्रकृति ने, वाहे गुरु ने अद्भुत गुण दिए हैं और आपका समर्पण मैं जानता हूं कि पंजाब के लिए टोटल समर्पण है। मैं जानता हूं कि आपका समर्पण कांग्रेस नेतृत्व के लिए टोटल समर्पण है और आपने इन दोनों आकांक्षाओं के बीच में सेतु बन करके दोनों आकांक्षाओं को जोड़ करके आगे चलने का काम करना है। किस नम्रता के साथ, किस खूबी के साथ, किस विनम्रता के साथ आप आगे लेकर के चलते हैं मैं भरोसे के साथ कहना चाहता कह सकता हूं कि चाहे उस दिन तो मैं भूतपूर्व सबका इंचार्ज के रूप में आऊंगा मगर मुझको बुलाना जरूर जब कांग्रेस की पंजाब के अंदर ताजपोशी होगी तो मैं आप सबको हाथ जोड़ करके बधाई देने के लिए आऊंगा। वो मौका देंगे ना आप सब। मैं एक आग्रह आप सबसे करना चाहता हूं मुझसे मैं अपने दिल में उस सवाल को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी एक कार्टून में पढ़ा था एक व्यक्ति जंगल से होकर के आया घर में वो आकर के बड़ा घबरा रहा था पीला पड़ा हुआ था चिंतित था बोल नहीं पा रहा था तो पत्नी ने कहा पिता ने कहा भाई ने कहा बोल भाई क्या बोला साहब मैं क्या बोलूं मैं जहां से आ रहा था शेर दहा रहा था तो मुझसे भी लोग कह रहे हैं हरीश रावत तुम बहुत कमजोर हो रहे हो बहुत बीमार जैसे हो गए हो। जब बहुत ज्यादा शेर दहाड़ने लग जाते हैं तो मेरी क्या दशा होती होगी जरा मेरा ख्याल रखिएगा। जरा सब लोगों से मेरी विनती है मेरा भी ख्याल रखिएगा। मैं जिथे कोई गलती होगी तो मैं उठे आप मुझे बता देना कान पे मेरी गलत कर देना बाकी उसको रिजॉल्व करना ये साधा काम है साधी ड्यूटी है उस काम को मैं करूंगा। आप अपने प्रॉपर इतना भरोसा रखिएगा बजाय बाहर कहने के इधर उधर कहने के तो आप मुझको कह दीजिएगा नहीं तो हरीश रावत का काम राहुल गांधी जी कहेंगे हरीश रावत तेरा काम तो खत्म हो गया तुझसे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा तुझको कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है और उस दिन मेरी ऑफिशियल छुट्टी हो जानी है तो जरा मेरी छुट्टी जरा सा डिग्निफाइड तरीके से करवा देना ये मेरी आप सबसे विनती है। तो एक बार फिर मैं आज के इस मुबारक मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार ताली बजा करके आप अपने नवनियुक्त अध्यक्ष का कर्तव्य ध्वनि से और चारों वर्किंग प्रेसिडेंट साहबान का स्वागत करें और मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कैप्टन साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि सारे लोगों के हाथ उठा करके एकजुटता का संदेश दें। जिस दिन दोनों सिद्धू साहबान के हाथ उठ गए उस दिन पंजाब एक कांग्रेस की फतेह। जय हिंद जय कांग्रेस।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, तुहाडे दित्ते संदेश नू असी याद रखांगे और तुहानू ए विश्वास दोने है कि पंजाब दे ए जुझारू लोग और पंजाब की कांग्रेस दे बारे च कहा जांदा है कि जिन्नी मर्जी डिस्कशन हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपीनियन हो जाए, जिन्ना मर्जी आपस में अंदर बैठ के असी एक दूजे के नाल एक दूजे के मुद्दों से बोल लीए, पर जब लड़ाई आती है तो पंजाब के सारे इंतजारू लोग कट्ठे होके कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने हाथ च फड़के इस लड़ाई के विच कूद जाते हैं। हम मैं बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बेनती करता है कि आम ते आके अपना संदेश पंजाब कांग्रेस के नाते देके जान। कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे जनरल सैकटरी साहब हरीश रावत जी, साडे साबका पीसीसी दे प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, फिर तुसीं लिख देना कि होर सी उत्थे बोलना, और साडे नवे नियुक्त किए हुए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साडे साबका पीसीसी के प्रधान साहब, साडे साबका मुख्यमंत्री साहिबा, और अज जिहड़े अज इत्थे शोभ सारे मेरे वीरों भैणों तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत अज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये तीन चार जड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए, थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाना है, और कोई छोटी गल नहीं होंगी। पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही, नहीं सुन रही, नहीं क्या देखो कुछ नेड़े, तो फिर हुण आ रही है हुण, ओके गुड गुड। पहली गल तो मैं जी गल कहना चाहना कि जाखड़ साहब और मैं बहुत साल चार साल असी इकट्ठे रहे हैं, जिन्ना इन्होंने प्यार दिता मैनू, मेरी कोशिश हर वेली रही कि जैसे कबीर नू प्यार दें उही प्यार दिता मैं उन्होंने, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल, मेरे ते कह रहे हैं कि मैंने ना नहीं की, असल मैं इन्हों कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की थी। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बंदियां ने, तो फिर थोड़ी देर बाद लोग कह लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें दस दूंगा जिन्हें इन्होंने किया है, और जो प्राप्त पंजाब के प्राप्तियां हुई ने, कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असी किया।
चाहे आज मैं बलबीर जी नूं देख रहे हैं सामने बैठे कोविड का मसला ये सोनी साहब कितने हो तुसी बैठे सोनी साहब ने मेडिकल एजुकेशन वालों इन्होंने हेल्थ वालों जिस तरीके नाल साड़ी कोविड दे जंग लड़ी मेरा ख्याल पंजाब नंबर एक से इस काम च आया है साड़े लोग काफी इस बीमारी दे विच मरे 16,000 के करीब पंजाबी मरे ने इस बीमारी च लेकिन इन्होंने दिन रात ये दोनों ने अपने काम किए ने और असी सारे शुक्रगुजार हैं इस वेले 56 साढ़े नवे केस आए ने और सिर्फ दो मौत हुई जिते 300-400 मौत डेली होंगे सी और वाहेगुरु करे तीसरा फेरा जिहड़ा कहिंदे ने कोविड का ना आवे साढ़े लेकिन असं तैयारी पूरी कर रहे हैं ये कर रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं ताकि यह काम अगे ना हो ये तो पहला सामना सानू करना पड़ा दूसरा साड़ी एजुकेशन सिंगल साहब कितने उठे हाँ बैठे ने पूरे हिंदुस्तान दे विच नंबर एक प्राइमरी एजुकेशन विच पंजाब नूं नियुक्त किया गया और ओदे विच ए नहीं 3,00,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों नूं छड्ड के साढ़े इन्हां दे स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों दे विच आए ने जिथे असीं पूरी कुछ किस्म कीती इत्थे एजुकेशन कीती छोटी गल नहीं होती कुछ लेकिन यह किया एग्रीकल्चर दे विच पंजाब नूं एक नंबर ते नियुक्त किया गया असीं पिछले साल जैसे कणक की पैदावार सी पिछली बार मध्य प्रदेश सी असीं फिर अगे निकल गए झोने दे विच तो निका जा 2% धरती पंजाब की और 2% साढ़े लोग 2% तो घट भी लोग इन्ना कुछ असीं प्राप्त कर बैठे यह कहना कि गवर्नमेंट कितने पिछे रह गई कोई गल्लां हो जांदियां ने कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है बरगाड़ी का जिक्र होया कोट कपूरे का जिक्र होया बेबल कलां का होया ज्वारके का होया यह सारिया गल्लां संबंधित ने कानून नाल कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गया अखीला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी वह असीं खत्म करा के परसों उहदा चलान भी पेश करवा दिता ये समय लगता है लेकिन मैं एक वादा किया सी पंजाब नाल कि असी कहे जी गल किसी नूं असी छड्डनी नहीं जिथे जिथे ये गल्लां कीतियां ने इन्होंने की कोशिश बरगाड़ी का मसला इन्होंने CBI नूं लेके भेजता और CBI उत्थे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी सी रखी बैठी सी उस बुक नूं सुप्रीम कोर्ट तक जाके असी वापस लैके आए उस केस नूं और हुण उत्थे सारे चलान पेश हो तो जदों लोग खेडां खेडदे ने ना अंत विच लोगों ने इन्हों पछाण लिता है और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा जिथे बादल रहना कितने मजीठा रहना कोई भी नहीं रहना बिल्कुल खत्म हो जाना है तो ये गल्लां एक ये ने दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ नवजोत सुनो इत्थे लेणी पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन दे बॉर्डर ते पहुंचा सी इन्ना फर्क है साडा और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी कट्ठे रहे वो 1900 वो अपने DCC दे प्रधान से पटियाले दे और इन्हां दे पिता जी उन्हां दे एक और इको जनरल सैकटरी हुंदा सी एक जनरल सैकटरी से पटियाले दे DCC दे फिर 1967 विच इंदिरा जी ने मेरे मदर नूं लै के लोकसभा दे विच उन्हां दी इलैक्शन करवा के उत्थों जिता के लैके गए और इन्हां दे पिता जी प्रधान रहे बन गए से पटियाले और मैं जब 1970 फौज छड़ के आया तो मैंने उदों दस्या गया कि मैं मदर नूं पुछया कहिंदे कि तुसीं पॉलिटिक्स दे विच अपना कदम चुको मैं कहा मैनू तां कोई पॉलिटिक्स है तो पता ही नहीं है कहिंदे नहीं नहीं कोई तुसीं तां भगवान सिंह नूं जाके मिलो तो मेरा ख्याल पता नहीं किन्नियां बैठकां असीं कीतियां उन्होंने मैंने इन्हां दे घर च या मेरे घर च और इन्होंने मैनू कदम सियासत विच वो लेके आए ए सी साडा पिछोकड़ तो हुण तां वड्डे लगदे ने उदों तां इन्ने जद मैं जांदा सी इन्हां दे घर च 6 साल दी उम्र सी 6 साल और इन्हें भजे फिरदे सी उत्थे
हूँ जड़िया गल्लां आपां करनिया चाहीदियां ने इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी आ, सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं एक गल तुहानूं दस्सां, पंजाब ही नहीं साडी जिम्मेवारी साडे देश वल भी है। साडा 600 किलोमीटर बॉर्डर पठानकोट तो लैके फाजिलका तक पाकिस्तान दे नाल है। डेली उन्हां दे उत्थे हथियार पहुंच रहे ने, एमिनेशन पहुंच रहे हैं, आरडीएक्स पहुंच रही है, ग्रेनेड पहुंच रहे ने। किस वास्ते पहुंच रहे ने? फिर दंगा फसाद इत्थे करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तानी और चीनी हुण इकट्ठे हो गए और हुण तीजा इन्हां नूं साथी मिल गया जिहड़ा अमरीका छड़ के अफगानिस्तान चले गया। उन्होंने तालिबान ने आके भी कश्मीर के बॉर्डर से बहना और साढ़े पंजाब के बॉर्डर से बहना। तो सानू ये लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों लड़नी पऊ और उत्थे इन्हों का कदम इन्हों चकना पऊ। मेरी गल सुनो नवजोत, तुसीं उधर गल कर रहे हो, थोनू ये लड़ाई लैनी पऊगी, लोगों नूं जोड़ना पऊ और लोगों नूं आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पऊ ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, कट्ठे आए, जो मर्जी आन, जिथे मर्जी आन, असी डट के खड़ा गए। पंजाबियों ने बहुत अपना खून डोलिया इस देश वास्ते। इस फौज के जिथे मैं रात सी, रात मेरी पलटन जिथे मैं अपने फौज के 10 साल गुजारे, वो पलटन का 175वां जन्म दिहाड़ा होया। और तुहानूं पता किन्ने जंगां लड़े हैं सी, 82 जंगा दे विच साडी पलटन लड़ी सी। तो मैं जवानों के नाल उत्थे जाके खड़िया सी और वह अज जा रही है उपर कश्मीर दे विच फिर अगले हफ्ते। तो मैं कहा सी कि मैं शाम नूं अज जाके जन्म दिहाड़े ते उत्थे कटन की करां, लेकिन वह लड़नगे बॉर्डर के उपर। लेकिन जदों इत्थे आउंदे ने ड्रोन और ड्रोन सिट्टे जांदे ने और वह ड्रोन चक के लोगों इत्थे गड़बड़ कराउण दी कोशिश करदे ने, उदों आपां नूं कल्ले कल्ले पंजाबी नूं अपनी निगरानी रखनी पऊ। तुहानूं देखना पऊगा कि की कर रहे ने, कित्थे सिट रहे ने, और पुलिस नूं दसो ताकि उन्होंने असीं उत्थे सब कुछ चक सकीए। आम तौर पर बॉर्डर एरिया हुंदे क्योंकि उन्होंने ड्रोन बॉर्डर तो ज़्यादा नहीं जाते, चाहे पठानकोट हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे अमृतसर तरन तारण इस एरिया च ही बेल्ट फाजिलका फिरोजपुर तक ये जाने का। तो ये सानू सारे इत्थे बच के करना पऊगा। और मैं तुहानूं दस दिना हुकूमत होंदियां ने बट पार्टियां सदा वास्ते चलदियां रहिंदियां। 134 साल की अपनी पार्टी है। जो कदम मैं पहले दिन कहा सी जदों सोनिया जी ने मैनूं दस्या कि असीं नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहुंदे हां, मैं उहदे नहीं उहनां नूं बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेजिडेंट का फैसला होगा उहदे ते असीं सिर झुकावांगे। और मैं तुहानूं उह दिन दस्या भी सारिआं ने सुण लिया होगा, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाती, हुण साढ़े ते पई रही है कि असीं अपने पंजाब नूं और अपने देश नूं सुरक्षित रखिए। और इहदे विच मैं आस करदा कि असीं, और आस नहीं मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असीं पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असीं लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी नूं अगे रखांगे। इहदे विच मैनूं कोई भरोसा नहीं ये अकाली दल दे उपर, उह तां इहनां दे नाल मिलिया हुंदा है, ना मेरा कोई भरोसा है आम आदमी पार्टी दा। उन्हां दे भी सानू खबरां ने कि पाकिस्तान दे नाल कुछ गठजोड़ करते रहते हैं, तो असी इन्हां तो आपां बचना पऊ। और अपने अगर सूबे नूं बचाउणा है, कांग्रेस पार्टी एक जमात है जिहड़ी शुरू तो अपने देश की आजादी वास्ते, देश नूं आजादी नूं बरकरार रखण वास्ते अपने कदम चक्की आई है। पता नहीं किन्ने साडे जंग होए ने, किन्ने पंजाबी साडे शहीद होए ने, लेकिन हुण ड्यूटी नवीं पीढ़ी ते पै गई, साडे ते पै गई। वो पुरानी पीढ़ी तो बेचारी चली गई अपनी ड्यूटियां निभा के, और साडी जिम्मेवारी है हुण कि अपने सूबे नूं और अपने अपने देश नूं आपां बरकरार रखिए और इत्थे कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करिए ताकि दोनों चीज़ों का आपां चंगी तरह डट के सामना कर सकीए। बहुत धन्यवाद थोड़ा सारिआं दा। हुण याद रखो थोड़े ते थोड़े मोढ़िआं ते ये बोझ पैणा है, प्रधान की पूरी करो सपोर्ट और वाहिगुरू की कृपा नाल आपां दब के इसनों इस पंजाब नूं आपां बचाईए और दब के गैर जिम्मेवार लोगों का सामना करिए और जिहड़े दुश्मन आउंदे ने उहनां दा आपां डट के मुकाबला करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब, तुहाडा तुसीं जो सानूं संदेश दित्ता है, असीं
दिन रात तुहाडी ये सभी टीम दिन रात एक करके जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा पंजाब दे विच बुलंद करेगी और सूबे की कांग्रेस नू जिले की कांग्रेस नू ब्लॉक की कांग्रेस नू बूथ की कांग्रेस नू मजबूत करके 2025 दी चोणा जित के कांग्रेस पार्टी की झोली दे विच पा के दोगे तुहाडे सहयोग ते साडे आशीर्वाद नाल बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करदा जिन्हां दी तुहानू लंबे समय तो इंतजार सी पंजाब दे बब्बर शेर नवे नियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं बेनती करदा कि आउण ते तुहाडे नाल चौकियां ते छक्कियां दे नाल अपनी शुरुआत करन। बड़ा क्रांतिकारी सारे सम्मान योग मंच इस पंडाल च इस स्टेज ते बाहर और सारे पंजाब दे वर्कर सुने सारे मरी पग दे लड़ने और ऐलान करदे नवजोत सिंह सिद्धू ए नवाणा जिहा वर्कर कि अज सारे पंजाब दा कांग्रेस दा वर्कर कांग्रेस दा प्रधान बन गया। प्रधान अज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर ते वर्कर च। जदों वड्डी नदी खड़खड़ करती चढ़चढ़ करती जाके समुंदर दे विच रलदी है ना ते फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक नवाणा जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच पूरी तरह समा चुके उहदा कोई अस्तित्व नहीं। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा मेरी तां शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी आ जित्थों कोई सामणों कहिंदा उह कहिंदा तुहाडी परख जाखड़ साहब कहिंदे तुहाडियां बहुत परखां होईआं। मैं किसे नूं परखना नहीं परखना मत परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। नवजोत सिंह सिद्धू धन्यवाद करदा तुहाडा बड़े अरसों तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बन गया किसी की टीआरपी बढ़ गई किसी के नाल वर्सेस बन गया किसी के नाल लड़ाई हो गई ये वो ये मसला ही नहीं कोई भी ओदा मसला ही नहीं ओदे तो मैं भुआ भुआ मारे है ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਾ ਭਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਮਤ ਸੇ ਬਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਆਜ ਦਰ ਬਦਰ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਬੇਚਾਰੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते मसला है डॉक्टर खड़े ने नर्सां रहन नूं थां नहीं मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरनिया दे रहे धरनिया ते बैठे है यह मसला मेरे गुरु का यह मसला है
जाखड़ साहब पतवंत सजणों यह प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दीआं उम्मीदां दी प्रधानगी है उम्मीदां दी अगर यह मसले अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंगे तो कख नहीं है फिर कख सफा मेरे दसम पिता का बख्शिया वर्कर भी उस साफे च बिस्तर लाओ सिद्धू इतने बिस्तर इस ऑफिस च बिस्तर लाओ तो विरोधियों का दबा बिस्तर गोल करू तो नारा गूंजू हर वर्कर के दिलों के जीजा सारा रह नहीं देना कोठे तो तोता पै ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ
ਪਰ ਫਰੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੌ ਪੱਤਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਟੂ ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ सजाए मौत चो रिहा किया गया गुरचरण सिंह टौड़ा साहब आंदो ही एम एल ए बनिया भादसों तो एम एल सी बनिया हरा के कांग्रेस दे विच शामिल होया ते उहदा दोस्त सी सुन लो मैं दसना चाहना तुहानू कि उहदा दोस्त सी नंद कुमार वह कहिंदा भगवंत सिंह इह कहिड़ी देशभगती च पै गया चार कारखाने ला पैसे कमा अज भी चिट्ठी मेरे को है लिख के भेजदा मेरा प्यो नंद कुमार जी गोबिंदगढ़ याद रखियो जे गोबिंदगढ़ कोई है गोबिंदगढ़ तो उत्थे देने हो नंद कुमार जी भेजिया पत्र कहिंदा गल ते तेरी ठीक है मित्रा मैं पैसे बहुत कमा लैंदा पर रुखां नाल ही छावां हुंदियां समा सब नूं ढा दिंदा किन्ने ही धनी हो तुर गए कौन किसे दा ना लैंदा किंज बणदी मेरे गुरु दी बाणी जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा जे बाबा नानक हट्टी ला लैंदा सीएम साहब मसले ने जी मसले मसले हल करने हैं ता असि गुरु दे सिख हां तो मैं अज पंजाब दी किसानी नूं कहना चाहना ए प्रधानगी दा सब तो वड्डा मिशन यही है कि सरकार दी ताकत उन्हां दे काम आवे जीवन बदले उन्हां दी जिंदगी सवारे वी शुड मेक अ डिफरेंस वी हैव टू मेक अ डिफरेंस मैं उन्हें किसानों को कहना कि पवित्र संघर्ष है उन्हें पवित्र यह पहली बार होया हिंदुस्तान दे विच द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड अंबेडकर साहब की दी हुई वह स्पिरिट की स्पिरिट फ्रटर्निटी फ्रटर्निटी का मतलब कि असीं वख-वख जातां दे हां साडियां भाषावां अलग ने असीं अलग अलग सूबियां च रहिंदे हां लेकिन इस देश ने एक धागे दे विच सब नूं प्रो के एक यूनिटी दित्ती है यूनिटी तो जेल दी भी हुंदी है परिवार की यूनिटी दित्ती है परिवार दी किसान मोर्चे ने कीता ये किसान मोर्चे ने कीता इस करके ये तो भजिए ना मैं अज किसान मोर्चे वालियां नूं मेरे बजुर्गों नूं ये कहना कि प्यासा खूह कोल आउंदा प्यासा खूह कोल आउंदा खूह प्यासे कोल नहीं आउंदा मैं थोनू अज सदा देना मैं थोनू मिलना चाहना मिलो दसो कि सेध किवें मिलूगी मैं जानदा कि तीन काले कानून तुसी नहीं लागू करदे हो लगड़े हो गए मैं जानदा तुसी सरकारां भी सिटना मैं जानदा तुसी धौण ते गोडा भी दे जाओगे लेकिन हल की ने आओ विचारा करिए साडी सरकार दी ताकत किस तरह काम आ सकती है लोगों के टैक्सों की ताकत वो वीरो तू सोच दो 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा यह सरकार पे कि ना ये थोड़े सिर से है कौन वापस करता इनू कि ना सोचियो भी एक कर्जा सरकार वापस कर दिया तुम वापस कर दिया तुथ पे उत्ते टैक्स देने चाह भी पति से टैक्स देने हो तुथ पे टैक्स देने हो है तो फिर रेट बिजली ने थोड़े ही बढ़े है ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਾਰਕਰਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਖੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਣੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕਰਤਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਰੋ ਕੱਢੂ ਕਰੋ ਕੱਢੂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਾਊ ਜੋਸ਼ ਕਰੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ
यही मेरा मनसूबा है, यही प्रधानगी दी सब तो वड्डी मंशा और यही प्रधानगी दी सब तो वड्डी सक्सेस है। सिकंदर सिकंदर तुसी सारे सिकंदर कह जाए हालात हो पलट देंगे सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। अरे तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नहीं मैं सारे का आशीर्वाद लेके सारे नाल लेके चलूंगा। मैं सरेआम कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैं कोई फर्क नहीं पता, मैं एको चीज का सिरा कि पंजाब उत्ते किदा आउंदा है, पंजाब के लोगों के कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। यही अरदास करदा दरबार साहब दुर्गियाना मंदिर राम तीर्थ पालमी तीर्थ चलने वाला बाप यही दुआ की है, माता की जोत खो के यही दुआ की है कि पंजाब के कल्याण के इस छोटे जे वर्कर सिद्धू का भी कल्याण निहित कर, निहित पला निहित कर। इस करके मैं ज्यादा नहीं बोलना सी, पर जिन्ना बोलना सी विस्फोटक बोलना सी। चंदन का टुकड़ा बबूल के जंगल नालों कितने वधिया होंगे, गल्लां नहीं है ए, आत्मा की आवाज। मैं थोड़े नाल मोढ़ा ला के खड़ूंगा, मेरी कोई ईगो नहीं, मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मेरी मैं फिर नहीं है तू, ताही उस परमात्मा का आशीर्वाद है। मेरा दिल कोई चिरे का दिल नहीं, जड़े विरोध करते हैं वो मैनू बेहतर बनाएंगे, तो जड़े मेरी हौसला अफजाई करते हैं आ बैठे भाजी सुख आ बैठे रावा साहब आ सारे ना कि लेने सारे रावत साहब सारे बीबी जी इन्हें तो गोदी खेडिया मैं, तो जड़े मेरा मेरे सिर से हाथ धरते आशीर्वाद देंगे मेरा सुरक्षा कवच है वो मैं अगे बना। इस करके थोड़ी ताकत तो बिना अधूरे हैं, आत्मा तो बिना शरीर नहीं होंदा, वर्कर आत्मा है उस आत्मा का सत्कार करांगे। सत्कार उदो नहीं होंदा जदों संपर्क टुटदा। आत्मविश्वास की है? आत्मविश्वास है आत्मा नाल संपर्क, जदों संपर्क रहिंदा तां विश्वास रहिंदा। इस करके इस कार्यकर्ता नाल संपर्क रखांगा। 15 अगस्त नूं भागा वाले दिन इस ऑफिस के सिद्धू का बिस्तरा लगेगा। मंत्री साहब नूं भी कहना कि 3-3 घंटे ला के जाओ, इस सेवा दे विच इस पुन दे विच योगदान पा के जाओ। पर इहनां दी मर्जी है, तय करनगे। वड्डिआं नूं सम्मान दऊंगा, छोटिआं नूं प्यार दऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दिआं तों कांग्रेस दे हाई कमांड दे दित्ते 18 पॉइंट एजेंडे तों बिल्कुल पिछे नहीं हटेगा, तो दिल्ली मॉडल के पक्ष से उड़ा देने हैं पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो पंजाबी आ, पंजाब जीतू पंजाबी जीतू। तो मेरे वड्डे सिर दे उत्ते हाथ रखण ते वट कर दूं, वट निचोड़ दूं, निचोड़ बोले सोनहाल, जोर दी नारा लाओ जरा बोले देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन्ते कबहू न डरूं, न डरूं जब अब जिसू जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन्ते कबहू न डरूं, न डरूं रिसू जब जाहि लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनिहार। बात खत्म। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस तो बाद सारे ही लीडर साहबान मुख्यमंत्री साहबान एक मिनट मेरी बेनती सुनियो, इतों बाद उन्होंने सारे नवे प्रधान साहब नूं ते
वर्किंग प्रेजिडेंट मुख्यमंत्री साहब आपने चेयर से बिठाना है रावत साहब सर। दूसरा मेरी सभा खत्म करने राष्ट्रगान होगा उस तो बाद सभा समाप्त होगी सारे अपने अपनी जगह से खड़े रहने प्लीज। सर साहब जी अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े रहेंगे सावधानी पीछे राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल चल दी तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आजाद हिंद जिंदाबाद कौमी नारा वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।